घर के दिन तेरे आसमी, देखो कौन आया है। सखी बेटा, चलो कहाँ? घर। ये गलत था आसमी, लेकिन अब दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुम्हारे को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। अपने बच्चे की वजह से अपनी वजह से और तुम्हारी वजह से उसे जो करना है वो करे, लेकिन जो वो चाह रहा है मैं होने नहीं दूंगा। क्या चाह रहा है वो? वो चाह रहा था कि मैं तुम्हारे को छोड़ दूं और वो तुम्हारे से शादी कर ले। क्या हसबी, मेरे बस में होता ना तो मैं पुलिस में उसको गिरफ्तार करा देता, लेकिन वो कहां सुनेगी मेरी? मेरी तो कोई औकात ही नहीं है ना। इसलिए मैं ये सब कुछ कर रहा था ताकि तुम्हारे को बचा सकूं और हमारे बच्चे को बचा सकूं। तुम ये भूल गए कि बचाने वाले तुम नहीं हो, अल्लाह की साथ है। इस पर भरोसा तो किया होता। सही कह रही हो आसमी, मैं बुजदिल हो गया था, तुम्हारा सखी बुजदिल हो गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चलो वापस घर चलें प्लीज। कि तुम मुझे दोबारा छोड़ दो आसमी, पागल होगी हो गया। कोई बात नहीं, मैं जानती हूं मेरी जिंदगी आसान नहीं है। ये दाग सारी जिंदगी मेरे साथ जुड़ा रहेगा और तुम नहीं कर पाओगे सखी, तुम साथ नहीं दे सकोगे। मारे को ये लग रहा है कि मैं अपनी जान छुड़ा के जा रहा था। उसने मेरे को कहा था कि अगर मैं तुम्हें छोड़ देता हूं तो तुम्हारा नाम हमेशा के लिए एकदम क्लीन कर देगा, साफ कर देगा, जान छोड़ देगा तुम्हारी। सिर्फ इसलिए मैं तुम्हारे को छोड़ के जा रहा था। हाँ, तुम मुझे छोड़ दोगे और वो मुझसे शादी कर लेगा। मेरे सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं इस कदर नाउमीद हो गया था कि मैं नहीं बता सकता तुम्हारे को। लेकिन अब जो होगा सो होगा। वो फिर से वीडियो लीक कर देगा। तो कर दे, मेरे को पहले भी परवाह नहीं थी, अब भी नहीं होगी। अपने बच्चे को क्या बताओगे? मुझे बड़ा होगा ना तो समझ जाएगा कि उसकी मां से शायद एक गलती तो हो गई थी, लेकिन वो एक बेहद गैरतमंद और बहादुर औरत थी।
और उसके बाप के दिल में उसके लिए बहुत इज्जत थी। खर्चा खुला प्लीज। सुनो, मैंने कभी बताया है तुम्हारे को किस कदर प्यार करता हूं तुमसे? लफ्जों से कभी नहीं कहा, तरह से बता।